बिफोर वी गो टू द ग्रुप कंपनी वाला थिंग आई वॉन्ट टू शेयर अ स्मॉल थिंग. आप लोग जब नोट्स टू अकाउंट्स मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट जो बनाते हैं विच इज टिपिकली इन वर्ड फॉर्मेट, उसमें कई सारे टेबल्स लगाने होते हैं आप लोगों ने. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने ऑलरेडी उसको एक्सेल में बनाना चालू कर दिया, बट एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर रिफ्रेशिंग बिकॉज वैल्यूज कीप ऑन चेंजिंग बेसिस द डिस्कशन विद क्लाइंट, बेसिस द चेंज इन ट्रायल बैलेंस विच वी जस्ट कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन, तो द नंबर्स कीप ऑन चेंजिंग राइट. तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है, आप वापस उस वर्ड फाइल में आते हो, एक्सेल से वो टेबल कंट्रोल सी करके वापस वहां लगाते हो. Instead of doing this, you can directly link your table from Excel in the Word, and every time you open a Word, you just need to refresh it. That's it. So how do you go about doing it? I have a small example. Guys, I hope you are able to see my screen. Mm-hmm. Yeah, everyone? Everyone? Yes, sir. Everyone? Yes. Everyone? Yes. Ma'am. No. Yeah. Now? Yes. Yes, sir. Ma'am. आप लोगों को मालूम है मैं आगे नहीं करूंगा. एवरीवन? यस सर. यू हैव टू बी लाउडर. यस सर. यस सर. सॉरी. नहीं टूटेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. यू कांट हियर, मतलब यू पीपल आर एबल टू सी? यस नो? दैट साउंड्स बेटर. तो ये वाला जो टेबल है ना, ये हम नोट्स टू अकाउंट्स में ऑडिट रिपोर्ट में रहते हैं, यहाँ पे लगाते हैं. या यू कैन सी इट हियर. सो वन थिंग इज वी कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट एवरी टाइम. अनदर थिंग इज वी कैन लिंक द वर्ड फाइल टू दिस एक्सेल का टेबल, सो दैट एवरी टाइम यू रीओपन द वर्ड आपको वापस से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट कैन रिफ्रेश इट. हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग इट? ये काम का चाहिए. कंट्रोल सी कॉपी, यहां पे आइए, ऑल्ट ई एस, ठीक है. पेस्ट लिंक का एक ऑप्शन एक्टिवेट होगा, ठीक है. पेस्ट लिंक में ऊपर में एक ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसको आप ओके कर दीजिए. ओके. नाउ यू सी द टेबल कमिंग हियर, बट यू कैन सी इट्स वेरी क्लमजी, साइड में भागा हुआ है, इट्स नॉट विद इन. You have to do one time adjustment for it. इसके ऊपर क्लिक करिए. You'll be able to see meek margins. आपको शायद नहीं दिख रहा होगा उधर में, but there is a margin which will get visible. दिख रहा है आपको? इसको आपको एक बार adjust करना होगा, ठीक है. You guys are able to see how the adjustment was made. It's a simple alignment. Word में अपने को alignment करना पड़ता है. It's a simple alignment. Query you may be, so पहले मैं आपको दिखाता हूँ how the change will be reflected. Okay. आप यहाँ पे देखिए, आपका पहला वैल्यू है 4.38 लाख, ओके. आई सिंपली चेंज इट टू 100, आई एम चेंजिंग इट टू अ रैंडम नंबर, ओके. अभी इस जो आपने वर्ड फाइल हमने ली थी, यहाँ पे अभी भी देखिए आपको 4.38 ही दिख रहा है, राइट? कैन यू सी? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है. अभी देखिए, अभी दिख रहा है? नाउ सी, can you see the numbers have been updated? It has gone to the same level which is there in the Excel. So आपको दिख रहा है अभी numbers वहां पर automatically update हो गए. So पहले आप objective समझ लीजिए. Objective क्या है? Objective ये है कि आपका Excel के साथ interactivity रहेगा. Every time आपको manually update करने की जरूरत नहीं है. That piece you are clear? Yeah. अब उसको करना कैसे है? आपने link तो लगा दिया था.
सिंपली आपको तो पता नहीं होगा कि आपने कितने जगह लिंक लगाया है इस पूरे वर्ड फाइल में, राइट, क्योंकि आप मल्टीपल टेबल्स को वहां पर लिंक करोगे. सो आपको सिंपल करना है कंट्रोल ए, विच मीन्स आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो गई, उसमें जितने भी लिंक आए होंगे, एंड देन सिंपली प्रेस F9, दैट्स इट. F9 जैसे ही आप प्रेस करोगे, आपके जितने लिंक टेबल्स हैं ऑटोमेटिकली द वैल्यूज विल गेट अपडेटेड. दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू. ये अच्छा है. चार्ट हुआ, आई चार्ट, आई चार्ट नॉट फ्रॉम दिस वे, आई चार्ट बनाते हैं वर्ड में, अगर हम एक्सेल से लिंक करते हैं तो वो भी ऐसी अपडेट होगा क्या? जैसे हम एक्सेल में पाई चार्ट बना कर एक्सेल में बनाए डेटा भी है, एक्सेल में पाई चार्ट बना लेते हैं ना, ठीक है, और हम कॉपी कर रहे हैं वर्ड में. जब तुम वर्ड में कॉपी करते हो, तुमने कंट्रोल सी बिटमैप किया है उसको कॉपी, या तुमने उसका लिंक रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इट विल बी लिंक, बट तुमको F9 करना पड़ेगा, इट विल गेट लिंक. बट F9 का एक कैच है, या तो तुम कंट्रोल ए इज द सेफेस्ट ऑप्शन ताकि तुम्हारा कुछ भी ना छूटे, अदरवाइज जो जो ऑब्जेक्ट तुमने लिंक करा है उसको सिलेक्ट करके F9 दबाना पड़ेगा. जैसे पेपर कंप्लीट हुआ, वहाँ टेबल भी है और पचार्ट भी है, तो मतलब टेबल भी अपडेट हो जाएगा और पचार्ट भी अपडेट हो जाएगा. सो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल ए सो दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स गेट सिलेक्टेड. दी आइडिया इज F9 वर्क्स ओनली ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन सिलेक्टेड. तो सिलेक्ट करने का दो तरीका है, या तो तुम मैन्युअली एक एक टेबल को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करो तो तुम्हारा अपडेट होएगा. उतना रिस्क क्यों लेना है? कंट्रोल ए विल सिलेक्ट योर एंटायर वर्कबुक. जो वर्ड का जो वर्कबुक है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. एक साथ में F9 प्रेस कर दो एंड ऑल द वैल्यूज विल गेट अपडेटेड इन वन शॉट. नाउ अनदर थिंग विच मे कम टू योर माइंड इज, आपने देखा होगा ये आपको ग्रे दिख रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि प्रिंट आउट में भी ये ग्रे आएगा? वैलिड क्वेश्चन, राइट. ये ग्रे मैंने किया है, प्रिंट आउट में नहीं आया. आई विल टेल यू, आई गिव यू एन एग्जांपल. दिस इज पेज नंबर 3, राइट. मैं कंट्रोल पी पे जाता हूँ. देखो पेज नंबर 3 में आपको दिख रहा है कुछ भी हाईलाइटेड है? नहीं दिख रहा है. दिस इज समथिंग विच आई हैव एक्टिवेटेड जस्ट टू सी विच फील्ड्स आर लिंक फील्ड्स. हाउ डू यू गो अबाउट इट? फाइल में जाइए, आपका वर्ड में जो ऊपर में सिंपली जो एक्सेल ऑप्शन में जैसे जाते हो ना, वैसे ही वर्ड के ऑप्शन में जाइए, ठीक है. उसके अंदर में एक एडवांस्ड का टैब होता है, ठीक है. इसके अंदर में एक ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा फील्ड शेडिंग बोल करके. या फील्ड शेडिंग का मतलब क्या है? जो भी आपके लिंक फील्ड्स हैं, चाहे आपने PPT से लिंक करा हो या एक्सेल से लिंक करा हो, वो फील्ड्स आपके हाईलाइट होके दिखेंगे. इट इज जस्ट एन आइडेंटिफायर. इससे आपके प्रिंटआउट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, योर प्रिंटआउट विल बी एज यूजुअल. क्लियर एवरीवन? सो आपके डिफॉल्ट सेटिंग में ये नहीं होगा, तो आपको ये जाकर के करना पड़ेगा. सो फील्ड शेडिंग, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. फील्ड शेडिंग में जाकर के आपको करना होगा ऑलवेज. एडवांस में एडवांस में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो. उसमें नीचे जाओ, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड फील्ड शेडिंग, उसको ऑलवेज कर दो. आप लोग एक बार करके देख लो, मतलब करके इन देंस जस्ट गो थ्रू दैट ऑप्शन. जस्ट ओपन अ वर्ड फाइल एंड गो टू फाइल एंड दैट ऑप्शन. क्या अरे यहाँ नीचे ऑप्शन में है, इसमें एडवांस में आइए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लैंग्वेज के नीचे एडवांस में लिखता है लेफ्ट हैंड साइड में. अब इसमें आप धीरे धीरे नीचे आइए. टेबल पहले कॉपी करना था, उसमें एडवांस की तरह एडवांस फील्ड शेडिंग बोल के है नीचे. हाँ यहाँ से गए थे, इसमें आप सिलेक्ट कर दीजिए ऑलवेज. हाँ भैया नहीं वर्ड पे, वर्ड में फाइल में जाना है, उसके बाद फाइल ऑप्शंस एडवांस्ड